कॅन्सरच्या रुग्णांना अत्यंत किफायतशीर आणि सेवाभावाने उपचार देण्यासाठी आज नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचं पहिल्या फेजचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसंच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत आज उद्घाटन झालं. यावेळी टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष रतन टाटा तसंच केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते. पहिल्या फेजच्या उद्घाटनात रेडिएशन ऑन्कॉलॉजी, रेडिओ डायग्नोस्टिक या वैद्यकीय सुविधांचे उद्घाटन करण्यात आलं. NCI म्हणजेच नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट याच्या वेबसाईटचं उद्घाटनही यावेळी करण्यात आलं. इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून गरिबांना कर्करोगावरील उपचार किफायतशीर दरात देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. सारी मशीन्स दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है ऐसी मशीन्स यहाँ पर हमने लाई हुई है ताकि इस सारे कैंसर केयर में बिल्कुल प्रिसिशन इस प्रकार से उसका काम हो पाए, मरीजों को कम से कम तकलीफ हो. और साथ में एक बात का ध्यान और रखने की कोशिश हमने की कि लोगों को कई बार ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है लंबा चलता है और आने जाने का लोगों को बड़ी तकलीफ होती है. और जैसे आप धर्मेंद्र जी ने कुछ समय पहले बताया, नाना जी पालकर इसके जैसे जो प्रतिष्ठान है जो टाटा के लिए भी काम करते हैं, तो हमने तय किया कि यहीं पर हम लोग जो पेशेंट्स हैं उनके रिलेटिव्स के लिए रहने की व्यवस्था भी करेंगे. NCI माध्यमातून ही सुविधा अत्यंत दर्जेदार सर्वसामान्य लोकांना उपलब्ध होणार आहे. खासदार अजय संचेती, नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार कृपाल तुमाने, टाटा ट्रस्टचे कैलास शर्मा, डॉक्टर आशा कापडिया, अमृता फडणवीस तसंच NCI चे शैलेश जोगळेकर उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट, माझा विदर्भ, नागपूर.